गोवर्धन में कॉलोनी के पास बन रहे शमशान का ग्रामीणों ने विरोध किया व एसडीएम राहुल यादव को ज्ञापन भी सौंपा। गोवर्धन की शिवनगर कॉलोनी के रहने वाले लोग तहसील कार्यालय पर एसडीएम राहुल यादव से मिले। उन्होंने अपना ज्ञापन देकर एसडीएम को अवगत कराया कि मधुधार कुंड के समीप कॉलोनी बनी है, यह कस्बे की आबादी क्षेत्र है, इसके पास शमशान स्थल का निर्माण कार्य कराना न्यायोचित नहीं है। पहलवान पंडित ने बताया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए समाज के कुछ नवयुवकों को उकसाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष खेमसन शर्मा ने ठाकुर समाज के शमशान के लिए बिलुच कुंड के समीप जमीन चिन्हित की है, वहां शमशान स्थल बनाने पर सबकी सहमति है। इस पर एसडीएम राहुल यादव ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही निर्माण कार्य सहमति से कराया जाएगा। डीडी शर्मा, गोवर्धन, समाचार 24। क्या कुछ समस्या को आप लेकर के आए? समस्या यह कॉलोनी के पास में कुछ एक खाली जमीन पड़ी हुई थी जो शमशान है, कुछ लोग उस पर शमशान बना देना चाहते हैं। वो शमशान आज से 30 साल मेरे को उस कॉलोनी में बसते बसते हो गई, मैंने कभी उसमें शबदाह होते नहीं देखा आज तक। कुछ चंद गुंडे उधर शमशान बना देना चाहते हैं उस कॉलोनी में। ये आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस जगह पे सिवाय शमशान के आप जो उचित लगे वो आप बनाइए। शमशान की जगह है, शमशान की दूसरी जगह दर्ज है, कई जगह पे शमशान दर्ज है, बिलचू कुंड पे भी शमशान के लिए दर्ज है जमीन, आप वहाँ शमशान बना ज्यादा है। सर, प्रशासनिक जो नापतोल भी वहाँ की गई है और उस जमीन को जो है बताया भी गया है कि शमशान के लिए दर्ज है जी, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ कॉलोनी बसी कम से कम 300 लोगों की आबादी है उस समय, आज वो आबादी के बीच में आ गई है। अगर आपको शमशान बनाना था तो आज से 40 साल पहले आप उसको बना चुके होते, फिर कॉलोनी वहाँ नहीं बसती। अब कॉलोनी जब बस गई, अब आप बीच में शमशान ले आ रहे हो, शमशान बिच्छू कुंड पे जो जगह दर्ज है आप उसमें शमशान बनाइए, जहाँ खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ आप शमशान बनाइए, आप बीच कॉलोनी में शमशान कैसे बना देंगे? शमशान दर्ज है, जो लोग बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या कहेंगे? जो लोग बनाना चाहते हैं कुछ असामाजिक तत्व है, सिर्फ राजनीति इसमें कर रहे हैं और कुछ नहीं, अपना अपना निज स्वार्थ है लोगों का।